नमस्कार। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सीरीज़ वाइज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हर टाइप कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम कराते हैं, एक क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना होता है। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, इफ़ ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। यदि ए और बी किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो मैंने कहा था आपको इस तरीके से लिखना आना पड़ेगा, ए प्लस बी सामने लिखते हैं 10, एंड ए कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज। ए उसी कार्य को 40 दिन में करता है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। फिर मैंने बताया था ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, मैं एलसीएम से नहीं करा रहा हूँ आपको, सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट समझा के क्वेश्चन कराता हूँ। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम को मान लेना है, और जो भी काम मानो वो इनका एलसीएम होना चाहिए। एलसीएम निकालना मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, तो एलसीएम इनका 40 आ जाएगा। यानी 40 काम है, 40 दीवारें बनानी है, 40 रोटियां बनानी है, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, वो आपका इच्छा है। तो ए और बी ने कहा भाई 40 रोटियां बनानी है, हम तो इसको 10 दिन में बनाएंगे। यानी सीधी सी बात है, 40 रोटियां बनाने में 10 दिन ले रहे हैं, तो वो रोज आएंगे और 4 रोटियां बनाएंगे, तभी तो 10 × 40 रोटियां बनेगी। 4, 8, 16, 32 ऐसे बढ़ती जाएंगी, 10 दिन में 40 रोटियां बना दें। बी आएगा, ए से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो 40 रोटियां 40 दिन में बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा, आप आइडिया लगा सकते हैं कि 40 रोटियां 40 दिन में बनाएगा ए, तो इसका मतलब वो रोज़ सिर्फ एक ही रोटियां बनाएगा, तभी तो 40 दिन में 40 रोटियां बनाएगा, रोज 1, 2, 3, 4 बनाता रहेगा, 40 रोटियां 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अब बोला गया है कि उसी काम को बी कितने दिन में करता, अगर 40 रोटियां बनवानी है बी से, बनवानी है अकेले से, तो बी कितने दिन में करता। फिर आपको आइडिया लगाना है कि ए और बी बना रहे हैं रोज़ 4 रोटी, जिसमें से ए सिर्फ एक रोटी बना रहा है, तो बी कितनी बनाता होगा, 3 रोटी बनाता होगा, तभी तो मिलके 4 रोटियां बनाती होंगी। तो हमें इस तरीके से निकालना है कि कौन कितना काम करता है। अब बी से कराना है 40 रोटियां, तो फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि काम कितना है 40, कराना किससे है, बी से। बी कितना करेगा, 3, उसको करो डिवाइड, डिवाइड नहीं हो रहा, तो 40 को इस तरीके से डिवाइड करो, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, बचेगा 1, उतारी 0, 3 × 3 = 9, बचेगा 1, अब कुछ उतारने के लिए नहीं बचा, तो 13 दिन तो लगेंगे पूरे, और 1 point या 1/3 days लगेगा, जिसको 0.33 भी कहा जाता है। या तो ऑप्शन में ये होगा, या हम क्या करते हैं पॉइंट लगाते हैं, 0 उतारते हैं, 3 × 3 = 9, फिर पॉइंट नहीं लगेगा, 1 उतार के 0, 3 × 3 = 9, तो 13.33, जैसा भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो उसको आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। सेम टू सेम मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्लीज़ उस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट में ज़रूर डालें। तो सेम टाइप का मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप मान सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को, किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, तो आपको बताना है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। फटाफट आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।